जैन दोस्तों, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि जब भी आप मंदिर जाते हैं तो प्लास्टिक बैग लेके मत जाइए। डोंट विजिट आवर होली टेम्पल्स विद अ प्लास्टिक बैग, क्योंकि बहुत हाई चांस है कि उस प्लास्टिक बैग में बीफ मौजूद हो सकता है। पिछले 2 महीने से मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ, तरह तरह के लोगों से बात कर रहा हूँ। सच बताऊं तो मैं भी इस बात का गारंटी आपको नहीं दे सकता कि आपके प्लास्टिक बैग में गाय का फैट यूज किया गया है या किसी और जानवर का फैट यूज किया गया है। लेकिन पहले इस बात को जान दें कि प्लास्टिक में एनिमल फैट क्यों यूज किया जाता है। 8 out of 10 plastic bags that you use in your daily life contains animal ingredients. So basically, plastic जब manufacture होता है ना, तो make sure कि वो plastic किसी metal से चिपक ना जाए, एक दूसरे से चिपक ना जाए, chemical use होता है, उसका नाम है slipping agent. और ये slipping agent derive होता है animal fat से. तो वो fat गाय का भी हो सकता है, बकरा का भी हो सकता है, मुर्गा का भी हो सकता है. But according to market research and various surveys, most manufacturers of plastic bags prefer beef when it comes to slipping agent for plastic bags. And सबसे बड़ा question ये है कि plastic bag का जरूरत क्यों? Well, it's environmentally sound.